इंडियन गवर्नमेंट ने सिगरेट के कंजम्पशन को बैन करने के लिए चाहे जितने बड़े भी स्टेप्स उठाए हों, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। उसके बावजूद भी इंडिया में सिगरेट का कंजप्शन साल दर साल बस बढ़ता ही गया है, वो भी यंगर इंडियन जनरेशन में। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज की जनरेशन के सिगरेट कंज्यूमर्स में ज्यादातर स्मोकर नौजवान महिलाएं ही हैं। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिगरेट के पैकेट पर बड़ी बड़ी कैंसर वार्निंग के बावजूद भी इंडियन यूथ में सिगरेट का क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है, और क्यों आज के टाइम पर सिगरेट्स को एक एडिक्शन या बुरी आदत की तरह नहीं बल्कि एक ट्रेंड या फैशन की तरह देखा जाता है। अच्छा लगता है स्मोकिंग करना, सब पैशन और एक ग्लैमरस लुक देता है, इसलिए मैं स्मोकिंग करती हूँ। यूं तो स्मोकिंग इंडिया में 2000 साल से भी कहीं पहले से प्रैक्टिस करी जा रही है, लेकिन उस टाइम पर स्मोकर्स कैनबिस या गांजे का ही इस्तेमाल करते थे धूम्रपान करने के लिए। लेकिन टोबैको को इंडिया में 17th सेंचुरी के टाइम पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस टाइम पर लोग टोबैको को इन पाइप्स के अंदर डालकर स्मोक किया करते थे, जिसे चिलम के नाम से भी बुलाया जाता था। टोबैको के कंजम्पशन की वजह से ही हमारे देश में कैनबिस की कंजम्पशन में काफी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद आगे चलकर सिगरेट के इंट्रोड्यूस होने के बाद लोगों ने टोबैको को चिलम के अंदर भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और तो और इंडिया में एक और तरह का हैंड रोल्ड हर्बल सिगरेट यानी बीड़ी का इस्तेमाल भी काफी कॉमन देखने को मिलेगा, जिसे क्लोव्स, टोबैको और बीटल नट से बनाया जाता है। हालांकि टोबैको से हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने साल 2002 में स्मोकिंग को पब्लिक प्लेसेस पर करने से पूरी तरह से बैन लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरे देश भर में लोगों को आसानी से पब्लिक प्लेसेस पर भी खुलेआम सिगरेट पीते देखेंगे। हालांकि स्मोकर्स को इंडिया में हमेशा से ही एक बुरी नजर से ही देखा जाता है, मगर हाल ही में कुछ सालों में इस ट्रेंड में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि न सिर्फ इंडिया में साल दर साल सिगरेट और टोबैको कंजम्पशन में इजाफा देखने को मिला है, बल्कि एक रिपोर्ट के हिसाब से 88% स्मोकिंग केसेस की शुरुआत 18 साल से पहले ही हो जाती है, यानी यंग लोगों के बीच। तो अब सबसे बड़ा रीजन यह है जिसकी वजह से यंग इंडियंस के बीच सिगरेट स्मोकिंग के केसेस में इतना इजाफा देखने को मिला है, वो है पीयर प्रेशर। आज की यंग जनरेशन स्पेशली जेंजी के बीच हमेशा से ही एक पीयर प्रेशर बना रहता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में लगातार बढ़ते ट्रेंड्स के बीच कहीं वो पीछे ना छूट जाए। इसी वजह से अगर वो ये देखते हैं कि अगर उनका कोई फ्रेंड या उनके ग्रुप का कोई बंदा जिसकी पर्सनैलिटी से वो प्रभावित हो स्मोक कर रहा है, तो वो उसे बुरी नजर से देखने के बजाय वो स्मोकिंग को एक फैशन या कूल समझकर खुद भी स्मोक करने लगते हैं। इसी वजह से एक सर्वे के रिजल्ट के हिसाब से 77.5 यंग लोगों ने ये माना कि उन्होंने स्मोकिंग अपने फ्रेंड्स को ही देखकर स्टार्ट करी थी। मगर सिर्फ ऐसा नहीं कि स्मोकिंग जैसी हैबिट किसी को सिर्फ एक बार फोर्स करने से ही हो जाती है, बल्कि लोगों के बीच सिगरेट की लत की असली वजह ये भी है कि हमारे समाज में सिगरेट को आज के टाइम पर इस तरह नॉर्मलाइज कर दिया गया कि लोग इसे बुराई मानते ही नहीं। और उसके पीछे का बड़ा कारण है बॉलीवुड और उसका इन्फ्लुएंस, जिसने साल दर साल स्मोकिंग करने को इस तरह पोर्ट्रे किया है कि सिगरेट की कश लगाना एक बहुत ही हीरोइक काम माना जाने लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में स्मोकिंग का चलन कुछ नया है, बल्कि पुरानी मूवीज में सिगरेट्स और स्मोक करते हुए ज्यादातर विलन ही दिखते थे, मगर आज के टाइम पर बॉलीवुड में बढ़ते एंटी हीरो कल्चर ने इस ट्रेंड को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी वजह से जब इंडियन व्यूअर्स अपने फेवरेट स्टार के मुंह में ये सिगरेट देखते हैं, तो वो उन्हें देखकर ये सोचते हैं कि वो भी कोई हीरोइक काम कर रहे हैं, उन्हीं के स्टाइल में सिगरेट पीते हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO की एक स्टडी के हिसाब से 72% बॉलीवुड फिल्म में किसी न किसी तरह से सिगरेट का सीन जरूर था, जो कि काफी बड़ा नंबर है आज की जनरेशन को इनडायरेक्टली सिगरेट कल्चर्स को नॉर्मलाइज या उन्हें इन्फ्लुएंस करने में। जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है इंडिया में यंग लोगों के ज्यादा सिगरेट पीने का, वो है स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ। आज के दौर में एक यंग इंडियन को एकेडमिक प्रेशर, करियर की टेंशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल मीडिया एंजाइटी और तो और रिलेशनशिप प्रॉब्लम जैसे कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और इन सभी प्रॉब्लम से होने वाले मेंटल ब्रेकडाउन और स्ट्रेस को झेलने के लिए इंडिया में कम उम्र के लोग भी स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, जो उनके स्ट्रेस को काफी कम करने में मदद करता है। इसके पीछे की वजह यह है कि सिगरेट में मौजूद
निकोटिन नाम का कंपाउंड हमारे ब्रेन में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करता है और डोपामीन ही वो कंपाउंड है जो हमें पॉजिटिव फीलिंग ट्रिगर करने में मदद करता है, जिसकी वजह से ही हम रिलैक्स फील करते हैं। हालांकि लोग सिगरेट ये सोचकर पीते हैं कि इसके पीने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, मगर ये फीलिंग सिर्फ टेम्परेरी ही होती है। इसी वजह से थोड़ी देर बाद स्मोकर्स को दोबारा से सिगरेट पीने का मन करने लगता है। जो पहले मैं इसी वजह से एक आर्टिकल के हिसाब से एक डिप्रेशन वाले व्यक्ति की ज्यादा चांसेस होते हैं स्मोक करने के एक बिना डिप्रेशन वाले अडल्ट की तुलना में। टोबैको कंपनी की तानाशाही भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडिया में यंग लोगों के स्मोक करने का। हालांकि इंडिया में काफी सख्त नियम है टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर, जहां ना सिर्फ इंडियन लॉ 18 साल से कम उम्र के लोगों को टोबैको प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्रोहिबिट करता है, बल्कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर के 100 yard की रेडियस में भी किसी भी तरह के टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल पर प्रतिबंध लगा है। मगर इस लॉ एंड ऑर्डर पर ऑन ग्राउंड कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है ये मुझसे अच्छा आप लोग जानते हैं। अंकल एक सिगरेट दे दो, बच्चों के लिए कौन सा सही है? बच्चों के लिए रोल प्ले। मगर हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये सब जानते हुए भी जानबूझकर ये टोबैको कंपनीज अपने एडवर्टीजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास ही करती हैं, इंडियन चिल्ड्रंस को टारगेट करते हुए, क्योंकि उनको ये पता है कि एक ना एक दिन ये बच्चे ही उनके फ्यूचर कस्टमर बनेंगे, क्योंकि इन कंपनीज को अपने मौजूदा कस्टमर को एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको तो वैसे भी इन प्रोडक्ट्स की लत लग चुकी है, या फिर ज्यादा लत की वजह से वो वैसे भी मरने की कगार पर है। इसके अलावा 243 स्कूल के पास हुई एक रिसर्च में ये पता लगा कि स्ट्रीट वेंडर्स मोस्ट कॉमन लोकेशन थी टोबैको प्रोडक्ट की सेल की, जिसमें 90% ऑफ टोबैको प्रोडक्ट को कैंडी, स्वीट्स और टॉयज के बिल्कुल पास ही रखा गया था। और तो और 91% टोबैको डिस्प्ले प्रोडक्ट का डिस्प्ले 1 meter की हाइट पर था, जो कि एग्जैक्टली सेम हाइट होती है एक बच्चे के आई लेवल की। अब सवाल ये उठता है कि 20 शहरों में हुए इस सर्वे में इतने बड़े नंबर्स कोई इत्तफाक तो नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में लोगों को ये नहीं पता है कि स्मोकिंग करना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, बल्कि वो ये बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सरकार ने कई फेमस एंटी स्मोकिंग कैंपेन पहले से ही चलाए हुए हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। लेकिन इंडिया में लोगों की मानसिकता या एटीट्यूड ये हो चुका है कि इतनी खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी की चेतावनी सिगरेट पैकेट पर प्रिंट होने के बावजूद भी वो बिना कुछ सोचे समझे बस इस प्रोडक्ट के कश लगाए जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि स्मोकिंग से लंग्स, थ्रोट, माउथ और ब्लैडर जैसे कैंसर होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन स्मोकर्स को अकल नहीं आती, मगर तब आती है जब या तो बहुत देर हो चुकी होती है या फिर उनके अपनों के जेवर बिक कर उनका इलाज हो रहा होता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप स्मोक करते हैं और आपको लगातार खांसी, चेस्ट में टाइटनेस, सांस फूलना, खांसते हुए ब्लड आना, बार बार निमोनिया होना, जबड़े या गर्दन के पास सूजन या खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, तो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं कैंसर जैसी बीमारी के। तो इनमें से कोई भी लक्षण होने पर सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से रोक दें और फौरन ही एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये वीडियो अपने स्मोकर फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा।